हेलो गाइस, दिस योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया के नंबर वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैकेनिकल 101, अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी इस प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैकेनिकल के SSC JEE के 2500 क्वेश्चन की सीरीज। तो यहाँ पर हम SSC एग्जामिनेशन में जो भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो एक मिक्स क्वेश्चन का हमारा ये सेशन रहता है, और डेली हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर सेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज अगर हम बात करें, आज का ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम 4 मार्च 2017 के इवनिंग का जो पेपर था उसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो फटाफट गाइस, आप सभी लोग हमारे सेशन से जुड़ जाइए, और ये जो सेशन का जो अपना लिंक है सभी फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड दिस इज माय इंट्रोडक्शन। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विशाल11, जिससे कि आपको अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, और आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद गोल चूज कीजिएगा SSC JEE एंड स्टेट एग्जामिनेशन। ये गोल चूज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है विशाल शर्मा। जैसे आप विशाल शर्मा सर्च करेंगे आप मेरी इस प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही आप मेरी इस प्रोफाइल पर पहुंचते हैं तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से क्या फायदा रहता है कि अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस देखते हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट देते हैं, जो भी इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिए जाएंगे उनका जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और इसी के साथ आप मेरी प्रोफाइल को विजिट करके भी जो भी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस हैं, जो भी अपकमिंग प्लस कोर्सेज हैं, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो पहले ली जा चुकी है, उन सभी को आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली गूगल क्रोम के थ्रू या फिर डेस्कटॉप के थ्रू आप मेरी इस प्रोफाइल पर पहुँचना चाहते हैं तो आप URL टाइप कर सकते हैं सिंपली unacademy.com/@MacVishal। तो ये टाइप करके आप मेरे प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपसे कोई इनविटेशन कोड पूछा जाता है टू वॉच फ्री स्पेशल क्लासेस, तो आप इनविटेशन कोड यूज में ले लीजिएगा विशाल11। तो ये विशाल11 इनविटेशन कोड है, ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, और उनको कोई इन्विटेशन कोड पूछा जाता है टू अनलॉक द ऑल फ्री प्लान्स, तो ये वाला इनविटेशन कोड आप क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमने लास्ट क्लास में काफी क्वेश्चन कर लिए थे, और उसी के आगे हम कंटिन्यू में रहेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मतलब वीडियो को पॉज तभी करना है जब आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हैं। अगर आप प्रीमियर या लाइव वर्जन में देख रहे हैं तो आपको चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो एक आइडियल गेस है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देर इज एन आइडियल गैस विच इज हीटेड टिल इट्स वॉल्यूम बिकम 3 times, प्रेशर इज बींग केप्ट कॉन्स्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, वट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए गैस बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, धैर्य बना के रखिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ज्यादा हड़बड़ाहट में मत आइए। चलिए तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखिए टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। If temperature is 27 degree Celsius and it is heated at constant pressure, तो देखिएगा पहली चीज तो ये जो गैस है ये आपकी आइडियल गैस है। ठीक है, ऐसी गैस है, आइडियल गैस है, तो यहाँ पर आइडियल गैस के जितने भी लॉज होते हैं वो सभी फॉलो होंगे। सबसे पहला लॉ होता है, लॉ तो क्या था आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV is equals to MRT। तो अगर हमें इसे कॉन्स्टेंट प्रेशर पर गर्म करना पड़े तो फॉर दैट पर्टिकुलर आइडियल गैस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा T2 / T1 = V2 / V1। तो T2 / T1 बराबर V2 कितना है आपका 3 times ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है V, तो T2 हो जाएगा आपका 3 times ऑफ T1। आपका जो टेम्परेचर होगा आफ्टर द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीटिंग इट विल बी 3 folds,
3 गुना हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती ये करेंगे कि जो ये टेम्परेचर दे रखा है इसे कैल्विन में नहीं बदलेंगे, लेकिन माय डियर जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है इसमें चाहे आपका प्रेशर ले लीजिए चाहे आप इसमें टेम्परेचर ले लीजिए, ये दोनों के दोनों आपके एब्सोल्यूट प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब है कि टेम्परेचर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में लेना है, दैट इज द कैलविन स्केल। कैसा स्केल? कैलविन स्केल। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर लेना है कैलविन में, तो T2 विल बी 3 times of 27 डिग्री सेल्सियस होता है 300 केल्विन। तो T2 आपका कितना हो जाएगा भाई लोगों? 900 केल्विन हो जाएगा। और अगर T2 900 केल्विन है लेकिन 900 केल्विन आंसर में नहीं है, तो T2 अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो T2 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 627 डिग्री सेल्सियस। 273 माइनस कर देंगे तो 627 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को प्लीज कैलविन में बदल लेना, 300 केल्विन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। जब दो गैसेस को सडनली मिक्स कर दिया जाता है विद ईच अदर, रिजल्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी। जब भी दो गैसेस को मिक्स किया जाता है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी। मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर ये एडियाबेटिक चैम्बर में हो रहा है, किसी एडियाबेटिक कंटेनर में हो रहा है, तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वाला कंसेप्ट लगाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो व्हेन टू गैसेस सडनली मिक्सअप विद ईच अदर देन रिजल्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजेस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपके पास कोई एक एडियाबेटिक बॉक्स है, और इसमें दो गैसेस, मान लीजिए दोनों का मास m है, दोनों की स्पेसिफिक हीट c है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है T1 और T2। और कैसी मिक्सिंग है ये? एडियाबेटिक मिक्सिंग है। और अगर ये एडियाबेटिक मिक्सिंग होगी तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा तो वो निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके हेल्प से निकाला जाएगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से निकाला जाएगा। तो जो आपका फाइनल टेम्परेचर होगा इट विल बी T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2। फाइनल टेम्परेचर विल बी योर अर्थमेटिक मीन। अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करता हूँ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो चेंज इन एंट्रोपी होगा 2 mCln अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन इज द T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज योर अंडर रूट ऑफ T1 T2। एंड यू नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। आपका अर्थमेटिक जो मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आता है। अर्थमेटिक में जो मीन होता है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? अर्थमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आता है। और अगर आपका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आता है तो आप यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हो कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। If change in entropy of the universe, because there is no change in the surrounding, only system is going to be changed. So change in entropy of universe, change in entropy of system, both are the same thing. If change in entropy of universe is greater than zero for a particular process, that process will be irreversible process. That process will be irreversible process. If process is irreversible and adiabatic. If process is irreversible and adiabatic, entropy of the system will be increases. आपके सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि विच ऑफ द फिलिंग फॉलोइंग इज नॉट नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये आंसर आपको यहाँ पे देना है।
तो एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी डेंसिटी। तो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ओड वन आउट भी करते तो भी काम चल जाता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलिए 24 का बताइए। एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट मेड अप ऑफ मिनट एंड केमिकली इनडिविजिबल पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ इन केमिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म एंड स्मॉलेस्ट नॉन पार्टिकल इज योर एलिमेंट। सिंपल सा है, आराम से आंसर दीजिए, ज्यादा हड़बड़ाहट मत कीजिए, चिल होके आंसर दीजिए। तो ये भी मुझे बताइए कि ये जो 2500 क्वेश्चन की सीरीज है इसमें आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? 2500 क्वेश्चन एक काफी बड़ा बेंच मार्क है। इसी के साथ मैंने आपको एसएससी जेई के साथ साथ जो स्टेट एई और एक जेई के भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको वाईफाई स्टडी 2.0 पे कराता हूँ। स्पेशल क्लासेस में अभी आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में बेसिकली हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, उस सीरीज पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट लेना है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम पीरियड में सॉल्व करते हो, तो वो चीजें वहां पर स्पेशल क्लासेस में डील की जा रही है। आप वो चीजें स्पेशल क्लास में रेगुलरली मेरी स्पेशल क्लास को विजिट करके सीख सकते हैं। तो एक दिन में डिफरेंस आपको नजर नहीं आने लगेगा, आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लासेस लेनी पड़ेगी, 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद नजर आने लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू द सिंपलर फॉर्म। 25 का बताइए। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन केस ऑफ। सब्लिमेशन किस में होता है ये आपको बताना है, सॉलिड से सीधा गैस में, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में जाए, बिना लिक्विड में जाए। वेरी गुड, वेरी। देखिए अभी मैं आपके सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, दिस सेशन इज ऑन ए प्रीमियर्ड वर्जन, दैट्स व्हाई मुझे आपके चैट नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप धैर्य बना के रखिएगा, आप ऐसा सोचिएगा कि सर हमारी सारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि आपके मन की आवाज मेरे तक जरूर पहुंचती है ना? तो ये चीज आप सोच के रखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन अकर टू फाउंड इन योर सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 में होता है, इसमें सॉलिड CO2 में आपका जो सॉलिड CO2 होता है इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। चलिए 26 का बताइए। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक एमोरफस सॉलिड्स विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखिएगा गाइस, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक एमोरफस सॉलिड्स, मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स में हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू कंडक्शन बिकॉज ऑफ द मॉलिकुलर मोमेंटम, मॉलिकुलर ट्रांसफर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वन एंड ऑफ अ सब्सटेंस टू द अनदर एंड। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे भाई लोगों तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गए मोर हीट ट्रांसफर विल बी टेक्स प्लेस इन ए पर यूनिट टाइम। लेकिन वहीं अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा देर विल बी लेस वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल्स, इफ देर विल बी लेस वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल देन व्हाट विल हैपन, लेस एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, कम एनर्जी आपका ट्रांसफर होगा। क्लियर है सबको? चलिए बढ़े आगे। तो लेस एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड सो योर
थर्मल कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर इन ए नॉन मेटेलिक अमॉर्फस सॉलिड्स। 27 का बताएंगे कि जो हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड्स और गैसेस में, ये किसके थ्रू होता है? जनरली जनरली वैसे तो कंडक्शन भी होता है लिक्विड्स में, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में कंडक्शन नहीं होता है। तो ध्यान से आंसर दीजिएगा, लिक्विड्स और गैसेस में किस तरीके से आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, कैसे हीट ट्रांसफर होता है, ये बताना है आपको। बताइए, सिंपल सा है। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। तो आपका लिक्विड्स में और गैसेस में प्रिडोमिनेंटली हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू द कन्वेक्शन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर आइए। हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ स्टीम जिसका टेम्परेचर है 540 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड बाय बताइए। तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड बाय इफेक्टिवली। ओके, तो थर्मोमीटर से तो नहीं होगा, फूट जाएगा थर्मोमीटर। रेडिएशन पैरामीटर इतना भी नहीं है कि 2000-3000 डिग्री सेल्सियस हो, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस वाला नहीं हो पाएगा, थर्मोकपल से अपने मेजर कर सकते हैं। चलिए 29 का आंसर देंगे सभी लोग। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू बाय बॉडी कंडक्शन इज, इसी बॉडी में कंडक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, लाइंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द टू फेसेस ऑफ द बॉडी, डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया यार, सभी ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। The amount of heat flow through a body by conduction is directly proportional to the surface area of the body, directly proportional to the temperature difference on the two faces of the body, dependent upon the material of the body. All options are correct. बिल्कुल, ये है आपका लॉ, फोरियस लॉ ऑफ कंडक्शन। तो माइनस के ए डी टी अपॉन में डी एक्स, दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। So it is directly proportional to the area, temperature difference, material of the body. Option D is the right answer. चलिए 30th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और ये आपसे पूछ रहा है कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की यूनिट क्या होती है। तो ये आता है आपका यहाँ से डो स्क्वायर टी डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी डिवाइड बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी डिवाइड बाय डो जेड का स्क्वायर प्लस Q dot generation divide by K equal to, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आएगा आपका rho Cp divide by K dT by D2। एक सेकंड रुकिएगा। हैंग हो रहा है ना? रो सीपी डिवाइड बाय के डी टी डिवाइड बाय डी टाउ। तो के अपॉन जो रो सीपी होता है ये होता है आपका अल्फा और इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्या कहते हैं? थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो इट इज नॉन एज थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट वही होती है भाई मेरे जो आपके काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी?
इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपका मीटर स्क्वायर पर आवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए, 31 फ्लूइड मशीनरी का क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल छोटे छोटे सेशन रहा करेंगे आपके लिए, आई विल ट्राई टू टेक नंबर ऑफ सेशंस। थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ मैं इसको, लैपटॉप को भूख लगने लगी है भैया। फॉरवर्ड इंक्लाइंड वेन दैट इज वेन हैविंग एग्जिट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स होल्ड्स गुड। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, ये काफी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा चुका है, डोंट वरी, आराम से पेशेंस के साथ आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड का बताना है, फॉरवर्ड का देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका भाई मेरे कर्व सी फॉरवर्ड का, बी हो जाएगा आपका रेडियल का, और ए की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बैकवर्ड का। तो फॉरवर्ड का हो जाएगा आपका कर्व सी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए, 32 का बताइए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉन एज। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉन एज, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर हम बात करें ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रॉपर्टी नॉट फिनोमिना, क्या पूछ रहा है, प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज योर कोहेशन, कैसा सन, कोहेशन, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू सेम मॉलिक्यूल्स। चलिए, व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, किसी गिवन इंस्टेंट पर, यानी टाइम नहीं बदलेगा, टाइम बदलेगा तो स्टडी फ्लो हो जाएगा, यहां पे टाइम नहीं बदलेगा। तो व्हेन एवर द फ्लो पैरामीटर्स एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट द फ्लो इज सेड टू बी, ऐसा फ्लो क्या कहलाता है, बताइए। व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट देन द फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो, ऐसा फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, तो यूनिफॉर्म फ्लो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34 का बताइए, एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग 10 kg मास, वेट है उसका 9.8 kg, ऑन स्प्रिंग बैलेंस, है ना, मास है आपका 10 kg, वेट है आपका, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो मास भी kg, वेट भी kg, ये क्या है, मास भी kg, वेट भी kg, ये क्या लफड़ा है, स्प्रिंग बैलेंस पे अलग वेट आ रहा है, मास आ रहा है। बताओ वहां पर जी का वैल्यू क्या होगा। देखो पहले तो इस 10 kg को लो, इस 10 kg से एक्चुअल वेट निकालो, फिर ये 9.81 kg लो, इससे अपरेंट वेट निकालो, स्प्रिंग वेट निकाल लो, अब दोनों आपस में इक्वल कर दो। वैसे ऐसे ही सॉल्व किया गया है, लेकिन इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है भाई लोगों, तो जी आ जाएगा आपका 10 m/s² ऑप्शन आ जाएगा एक। वैसे वेट आपकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, जो बदलती नहीं है जगह जगह से। चलिए 35 का बताइए, इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा, अगर आप कहते हो हाइड हो जाता हूँ, वैसे हाइड होने की जरूरत नहीं है, ए कर्व भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ए देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए
ऐसी लाइन है, हॉरिजेंटल है। ए अगर हॉरिजेंटल है, आपको क्या पूछा जा रहा है कि द स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडिएंट फॉर थ्री फ्लूइड्स, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल एंड आइडियल सॉलिड गिवन। तो आइडियल सॉलिड का कौन सा कर्व होगा? आइडियल सॉलिड जिसपे कितना भी फोर्स लगाओ उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कितना भी फोर्स लगाओ डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर हम कितना भी फोर्स लगाएं डिफॉर्मेशन ना हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो रहे, चाहे आप कितना भी फोर्स क्यों ना लगाओ। यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, दोनों जगह वेलोसिटी ग्रेडियंट लगा दिया। कितना भी शियर स्ट्रेस लगाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36 का बताइए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, तो दिस इज बेसिकली हैगन पॉइज़न्स फ्लो। लेमिनार फ्लो है वैसे तो ये, ठीक है, लेमिनार फ्लो है, दो फिक्स्ड प्लेट है, इनके बीच का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? ऐसा होगा। और ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये होगा सर 1/2 म्यू माइनस का डो पी अपॉन में डो एक्स इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। बेसिकली दिस इज वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन, क्योंकि पावर टू है तो पैराबोलिक होगा, और यहीं से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो। मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट द सेंटर, एट द मिड ऑफ द टू प्लेट्स। ध्यान रखिएगा दोनों प्लेट फिक्स है, दोनों प्लेट्स कैसी हैं? फिक्स है, तो दोनों प्लेट्स को फिक्स कर दो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? जब स्मॉल आर का वैल्यू जीरो हो, तो इट विल बी 1/2 म्यू माइनस का डो पी अपॉन में डो एक्स इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसी को ही आप मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 1 माइनस में आई हाइड स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और यहीं से ही आप क्या कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, विच इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, विच इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। बहुत सारी चीजें यहां पर मैंने एक ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो बन नहीं रहा। और अगर हम बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो, तो डायनेमिक विस्कोसिटी होगा रो न्यू, तो आपका सही है बी, बी ऑप्शन सही है, डी वैसे ही गलत हो गया। ठीक है चलिए 38 का बताइए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज दैट प्रॉपर्टी रॉन्ग पूछ रहा है, व्हिच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू ए शियरिंग फोर्स। विस्कोसिटी इज प्राइमरीली ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रिशिएबली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। वैसे ही लिक्विड्स के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, है ना, वैसे ही लिक्विड्स के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, तो प्रेशर लगाने पर विस्कोसिटी में इतना चेंजेस नहीं आता। लेकिन अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, कोहेसिव फोर्स विल बी कमिंग टू द पिक्चर। तो दैट्स व्हाई गैसेस के ऊपर विस्कोसिटी में जो चेंजेस होते हैं वो प्रेशर पर डिपेंड करते हैं, जबकि लिक्विड में प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते, बिकॉज लिक्विड आर इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर और उनके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास पास में, गैसेस के दूर दूर में, उनके पास पास में लाएंगे तब विस्कोसिटी उसकी चेंज हो सकती है। लिक्विड में कितना दबा के और कितना पास लाओगे, पहले से ही पास है ये। वन डायमेंशनल फ्लो कैसा होता है, ये हम प्लस के क्लास में चर्चा कर चुके हैं। व्हाट इज वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो, स्ट्रीम लाइन, वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन, एवरीथिंग। नाउ यू हैव टू टेल मी वन डायमेंशनल फ्लो इज वन व्हिच इज अ यूनिफॉर्म स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। जिस डायरेक्शन में फ्लो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
कोई भी कंपोनेंट नहीं रहता है। 40th नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर हम हमारे सेशन को फाइंड अप करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। इफ क्वेश्चन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द एडिशन, क्वेश्चन ज्यादा एडिशन कम, क्वेश्चन मतलब फोर्स बिटवीन द टू सेम, एडिशन मतलब फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट, इफ सेम में ज्यादा है, मतलब मर्क्यूरी और ग्लास का केस ले लीजिए, अगर सेम में ज्यादा है तो कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी फॉल होता है, क्या होता है सर, कैपिलरी फॉल होता है। तो देन द लिक्विड लेवल इन द ग्लास ट्यूब विल बी लोअर देन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ क्वेश्चन इज ग्रेटर देन एडिशन, अगर एडिशन ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर एडिशन ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर कोहेशन ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस सेशन देखते हैं अनअकैडमी पर एंड यू विल फाइंड सम इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, देन यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन दिस टू अनअकैडमी। So you all learners have the opportunity to report an inappropriate content in the video and be the first one guys. Video session ko dhyan se dekhiye and be the first one to report that a particular issue to claim your prize and report any inappropriate content using the form given in the description below. And these are the benefits of joining the Unacademy subscription. Unacademy Plus se judne ke ye aapke benefits hain. Live classes fixed time pe, crash course to boost up your score, weekly test for your preparation analysis, doubt solving session, Hindi English mein content, and there is also a rank improvement batch जो कि आपके rank को improve करता है। चलिए guys, इसी के साथ आपको जो goal लेना है वो goal choose करना है आपको competitive exam में जाके SSC JEE and state examination का, ये goal choose करना है। इस goal को choose करने के बाद आप एक साल या दो साल का subscription ले सकते हैं, while taking subscription use code Vishal11 and save your money। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, EMI से भी फी को पे कर सकते हैं, इफ यू वांट टू पे द फी थ्रू द EMI, EMI से आप फी को पे कर सकते हैं, और ये मेरी अनअकैडमी पर प्रोफाइल है, फॉलो करके रखिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। अब इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिव यू सो मच प्रेशियस टाइम, लव एंड सपोर्ट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद जय भारत।